स्वागत है आपका चैनल देसी स्वाद में। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, देसी स्वाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वांग के चावलों की पूड़ी। उसके लिए हमने ये स्वांग के चावल लिए हैं। उसको चावलों को हमने अच्छे से धोकर साफ करके अच्छे से भिगो लिया था। भिगो के फिर उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमारे जो चावल हैं वो इस प्रकार हो गए हैं। ये हमने चावलों को अच्छे से बॉईल कर लिया। अब हम इन चावलों में इनका डो बनाएंगे और डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये हमने सेंधा नमक डाला इसमें और हल्की सी काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से हम मसल लेंगे और इसको अच्छे से मसल कर हम इसका एक सॉफ्ट डो जो है वो तैयार कर लेंगे, जिससे कि हम पूड़ी बना सकें। अब इसमें हम थोड़ा सा ये चावल का आटा भी थोड़ा सा मिला देंगे, जिससे जो हमारी पूड़ी है वो अच्छे से मिल जाए। ये थोड़ा सा हमने ये चावलों का आटा भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से इसका आटा बना लेंगे। ये देखिए, हमने वो जो चावल हमने बॉईल करे थे, जैसे मान लो हमने ये एक कटोरी चावल लिए थे, हमने इसको दो कटोरी पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करके फिर हमने इसको ठंडा कर लिया था, चावलों को ठंडा करके फिर हमने इनको मैश करके ये इस प्रकार का डो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको, ये हमारा डो तैयार हो गया, अब हम इसकी पूड़ी बेलेंगे और छोटी छोटी लोई बनाएंगे। ऐसे हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे और लोई बनाकर फिर हम इसकी पूड़ियां बेल लेंगे। ये देखिए, हमने ये छोटी छोटी लोइयां बना ली है। अब हम इन लोइयों को पूड़ी की तरह बेल लेंगे। आप इसको घी लगा के भी बेल सकते हैं। अगर घी लगा के ये ना बेली जाए तो आप इसको सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पूड़ी बेल ली है। अब इसको हम रख देंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी पूड़ियां जो है बेल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने पूड़ी बेल ली है। ये देखिए, ये छोटी छोटी ही बेलते हैं, ज्यादा बड़ी करने पर ये टूट जाती है। ये इधर एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम पूड़ी को इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा हम गरम तेल में ही तलेंगे। ये देखिए, अब हम इसको दूसरी तरफ पलट कर भी तल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ी फूल गई है। ये देखिए, ऐसे ही हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। अब बारी बारी हम सारी पूड़ियां, हमने 5-6 पूड़ियां ये देखिए बेल कर रख ली हैं। ये देखिए, पूड़ी बेल कर हमने रख ली है। अब हम इनको एक एक करके तल लेंगे। ये देखिए, हमारी ये पूड़ियां बनकर तैयार है। काफी फूली फूली भी बनी है और काफी क्रिस्पी भी बनी है। हम इसको आलू की सब्जी या पनीर की सब्जी के साथ सर्व करेंगे।
आप भी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करना, आप भी खाना और बच्चों को भी खिलाना और हमें बताना कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।